नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलने से पहले बद्रीनाथ मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया गया था। बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान, मंत्रोच्चार और सेना बैंड की धुनों के साथ रविवार को 6:15 पर खोल दिए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सभी श्रद्धालुओं में खुशी की लहर देखने को मिली। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम 3 चाबियों से खुलता है। ये तीनों चाबियां अलग अलग लोगों के पास होती है। एक चाबी टिहरी राज परिवार के कुल पुरोहित के पास, जो नौटियाल परिवार से आते हैं। दूसरी बद्रीनाथ धाम के हक हकूक धारी में शामिल मेहता लोगों के पास से, और तीसरी हक हकूक धारी भंडारी लोगों के पास होती है। 3 चाबियों को लगाकर बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। यहाँ पर आपको ये जानना भी बेहद जरूरी है कि कपाट खुलने पर सबसे पहले रावल प्रवेश करते हैं। वे गर्भगृह पर जाकर के और वहाँ पर सबसे पहले भगवान की मूर्ति की धृत कंबल को हटाया जाता है। इसके बाद यहाँ वस्त्र माना गांव की कुंवारी लड़कियों द्वारा कपाट बंद होते वक्त तैयार किया जाता है। कपाट बंद होते समय ही भगवान की मूर्ति में घी का लेप लगाया जाता है। इसीलिए कपाट खोलने के बाद सबसे पहले इसे हटाया जाता है। मान्यता है कि अगर मूर्ति घी में पूरी तरह लिपटी है तो उस साल देश में खुशहाली रहेगी। घी कम है तो सूखा या अत्यधिक बारिश के हालात रह सकते हैं। आपको बता दें कि 2 साल कोविड के कारण 4 धाम यात्रा प्रभावित रही, लेकिन इस बार कपाट खुलने के दौरान से ही भारी संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण 4 धामों में पहुंचे हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खुशी की लहर चरम पर है। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट से बने रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।